अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल UF रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज उमर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दो फिर से एक मजेदार किस्म का व्लॉग लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने इब्रार भाई की जो है व्लॉगिंग की सीरीज शुरू की हुई है, वो गए हुए इंडिया विजिट करने के लिए और एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया को, और बहुत मजा आ रहा है जिस तरह का वो व्यूज हमें दिखा रहे हैं, वहां की जगह दिखा रहे हैं, प्लेसेस दिखा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो अभी उमर भाई, आज हम कौन सी जगह देखने के लिए जा रहे हैं इनके साथ? बिल्कुल, लास्ट हमने जो उनका व्लॉग देखा था उसमें वो जो थे वो मुन्नार पहुंचे थे और वहाँ पे टी प्लांटेशंस हैं और वो व्लॉग के एंड पे हमें नजर आ गए थे। बिल्कुल, तो अब वहीं से जो है वो व्लॉग अपना स्टार्ट करेंगे उसी प्लेस से, और उनकी जो उस वक्त जर्नी है बड़ी मज़े की चल रही बहुत है और जबरदस्त उनके चल साथ रही साथ है। हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है देखते हुए। तो टाइटल है जी, इनक्रेडिबल टी प्लांटेशंस ऑन रोलिंग हिल्स इन मुन्नार केरला इन एपिसोड नंबर 6। तो देखते हैं, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने बिल्कुल, से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा सब्सक्राइब बेल करें। आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। स्टे विद अस, हैवी गो। गो। वाइल्ड लैंड्स सिटी बाय अब्रार, प्लांटेशन के इनके चैनल का दरमियान लिंक में भी से हम डिस्क्रिप्शन गुजर में रहे मिल हैं। जाएगा। इनके चैनल इधर पे जो लाइक की फॉलो करें, ड्यूटी लाजमी स्टेशन चेकआउट है करें इनके चैनल को। एलिफेंट क्रॉसिंग, तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नजर जिस तरह हम आएंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वो देखने का ज्यादा मजा आ रहा है। वेरी गुड, उस बाइक पे वो कर रहे हैं और आ रहा ट्रेवलिंग, है बाइक की जो राइड के तो साथ साथ वो हमें राइड दिखा बहुत रहे हैं, ज्यादा टफ है, आसान राइड नहीं बहुत है ये। मुश्किल होता है उमर भाई। ऊपर से जिस तरह की रोड्स वो श्योर, दिखा रहे थे, एक एक जगह की, मैं कहता हूँ जबरदस्त किस्म के आपको व्यूज देखने के लिए मिलते हैं वहां पे। इससे भी छोटी मिलेगी। अच्छा, रात को वेदर बहुत जबरदस्त हुआ हुआ था। टी प्लांट्स, ठीक है, गार्डन कह लें, गार्डन ही कहते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को मेरी तरफ से। एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से टाउन से जिसे कहते हैं जी पोपारा, जो कि मुन्नार से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर और एक घंटा उस 25 किलोमीटर को कवर करने पे लगेगा वहाँ पे हैं। कल जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो तस्वीरों में तो लग रहा था कि बहुत खूबसूरत जगह होगी, आइडिया नहीं था कि इतनी ही होगी, लेकिन आज जब हमारी सुबह हुई है तो वाकई में ही ये जगह उतनी ही खूबसूरत है। जैसे ही हमने खिड़की से बाहर देखा, हमें ये सारी खूबसूरत जो है वो टी प्लांटेशन चारों तरफ नज़र आई है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर सिर्फ टी प्लांटेशन नहीं, बल्कि ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त उस जगह को और इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और आज हम चाहेंगे कि इस जगह को यहाँ से लेकर मुन्नार तक एक्सप्लोर करें और उसके बाद आगे की तरफ जो जहाँ पर भी जाना होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन
अपने रिसॉर्ट के, इन्होंने एक टॉप फ्लोर पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर कार्तिकन, इसको हमेशा जो है ना वो फिक्र लगी रहती है कि इसके बाल ठीक हैं, यू लुक गुड मैन। और नाश्ते के लिए जो है हियर इज अजीत, अजू, अर्जुन, अर्जुन, दे आर बोथ फ्रॉम तमिलनाडु आई थिंक। सो वी आर राइट नाउ मे बी 25 किलोमीटर्स इज योर विलेज फ्रॉम तमिल। सो वट वी विल हैव ब्रेकफास्ट, अप्पम, इडियप्पम, कडलकरी प्लस एग ग्रेवी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जी अभी। सो ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट। इस तरह का मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं खाया। आई थिंक दिस इज आल्सो मेड विद राइस। जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट दिस इज व्हाट इज उसी एरिया के मुताबिक न्यू मिल रहा है और उनके लिए भी न्यू है। न्यू है बिल्कुल। दिस इज इडियप्पम। दिस इडियप्पम। ओके, एंड दिस वन इज वड़ा। आई हैव वी हैड देम यस्टरडे एज वेल आई थिंक। एंड दिस इज एग और उसके अंदर हाँ करी इन्होंने बनाई, एग करी। यहाँ पे आई थिंक ये चने हैं। तो या सो ये है जी हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट। सो हम लोग जो तैयार हैं, सब कुछ बाइक के ऊपर लगा दिया है और आज हमारा प्लान होगा कि हम लोग केरला को खैर बात कह के आगे निकलेंगे, तमिलनाडु को क्रॉस करेंगे और पहुंचेंगे कर्नाटका में, जहां पे हम विज़िट करेंगे, जहां पे हम नाइट स्टे करेंगे वो है मैसूर। यहां से तकरीबन की 400 किलोमीटर की राइड होगी, 10 से 12 घंटे यार बहुत बड़ा है उसको विजिट करने के लिए। रास्ते में हम मुनार से वाकई में इसके अलावा और वन मंथ में देखेंगे कितना कवर करते हैं इंडिया को, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वन मंथ में जाना वो कवर करना। अदरवाइज इंडिया वाकई बहुत बड़ा है। राइड ही आप देखिए कितने घंटे की राइड है, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जगह। से हमारा सफ़र गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे और आप सब देखने वालों का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। क्या खूबसूरत जगह है यार, चेक करें यार, कमाल की जगह है कि नहीं है। ऐसे टी प्लांटेशन के दरमियान में से हम गुजर रहे हैं, इधर जो है वो कुछ टूरिस्ट भी आ गए हैं। कल तक तो यहाँ पे कोई नहीं था, नहीं या वैसे काम वाले हैं अपने ही हैं ये रात को भी इधर से गुजरे थे ना। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं केरला में तो इस जगह पे स्टे करें, बिल्कुल नेचर में और सस्ता है। 3,000 रुपये में आपको यहाँ पे रूम भी मिल रहा था, और क्या चाहिए। सारे मज़े तो यहाँ पे जो है नाइट स्टे करने के हैं और सुबह इस व्यू के साथ उठने के हैं। ये पता नहीं उन्होंने साथ में जो है वो क्यों वाइट कलर जो है वो गिराया हुआ, चूना या कुछ इस तरह की मार्किंग की हुई है या कीड़े मकोड़ों के लिए है। अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रौनक नज़र आ रही है। तो ये आ गए हैं जी हम पुपारा में, अभी इसी टाउन से हमने गुजरना है और यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई पेट्रोल स्टेशन मिल जाएगा ना तो बेस्ट हो जाएगा, हम इधर से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। छोटा सा टाउन होना चाहिए और है भी छोटा सा, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन कोई नहीं नज़र आया मुझे। क्या हो सकता है दूसरी साइड पे, यहाँ पे किसी से पूछ भी लेते हैं, हमने कहाँ पे जाना है पूछ लेते हैं। हमें बताया गया है जी इधर बिल्कुल पास में ही एक पेट्रोल स्टेशन है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो पेट्रोल डलवा के फिर ही वापस आएंगे। क्या खूबसूरत गांव है यार,
यहाँ पे सिर्फ मुझे जो फील्ड्स नज़र आ रही है ना वो टी की नज़र आ रही हैं। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन है, रात को यहाँ पे 18 से 20 डिग्री के आसपास था, जबकि नीचे कोची वाली साइड पे 28-29 था रात के टाइम, दिन को तो वहाँ पे 32-33 तक भी जा रहा था। ये आ गया जिस सामने पेट्रोल स्टेशन। ये डीजल है, वो पेट्रोल है। अच्छा, सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, मार पड़ेगी इधर आगे आए तो। कैश यहाँ पे जो हमें 108 इंडियन रुपीज़ का एक लीटर मिला, जो कि पहले से कुछ 5 रुपए सस्ता हो गया, या हो सकता है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो आप छोड़े, आप रोड चेक करें और व्यूज़ चेक करें। बड़े ज़बरदस्त अभी हमारी जो तकरीबन 1.5-2 घंटे की पहली राइड होगी ना, वो इसी तरह जो है हिली एरिए में से होगी, टी प्लांटेशन वाले एरिया में से। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ड्राइव केयरफुली एलिफेंट क्रॉसिंग, तो होपफुली हमें जो है आज एलिफेंट भी नज़र आएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। इधर उधर मैं नज़र मारूंगा, अगर नज़र आते हैं तो आपके साथ जो है शेयर करेंगे, ख़ुद भी देखेंगे ऑफ कोर्स। ये एक बहुत पसंद आया, और स्पेशली पानी, पहाड़ और ग्रीनरी, ये जो एक मिक्सचर है ना, इसमें क्या अट्रैक्शन है। और क्योंकि यहाँ पे सारी जो है वो टी प्लांटेशन है, जिसकी वजह से बहुत ग्रीन है, और
आंखों को ना एक वो ठंडक सी महसूस होती है इसको देख के। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इस एरिया के बारे में बताता चलूँ कि इसको कहते हैं जी, ये जो माउंटेन रेंज है केरला, आगे तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र तक जाती है, इसे कहते हैं जी वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। प्रोबेबली सम ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो आपको देखने को मिलेंगी, कोस्ट के साथ साथ से चलती हैं। कल हमने जब सफ़र किया था तो हार्डली हमको 40-50 किलोमीटर की राइड करके आए होंगे, तो हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हिल्स की तरफ जाना शुरू हो गए थे। तो आप कह सकते हैं कि इवन के जो कोस्ट पे रह रहे होते हैं वो 100-150 किलोमीटर की राइड करके इन पहाड़ों में आके जो है ना ये पूरी कोस्ट के साथ साथ इसी तरह की हैं। आजकल यहाँ पे मानसून नहीं है, लेकिन मानसून जो है वो तकरीबन कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो वाले उस रीजन में आती है। तो मुझे बताया गया कि तब ये एरिया जो है वो ज़्यादा ग्रीन होता है, बारिश में तो आप मिलेगी। और इसके साथ साथ जो रोड है बहुत खूबसूरत है, अभी हम उसके ऊपर राइड करके आगे मुनार जाते हैं और आपको वो रोड दिखाते हैं। So they have from this region. This is ये जो है वो अभी भी फ्रेश फ्रेश लगता है, उतार के लेके इसके अंदर तो नहीं है शायद, हो सकता है आगे ये बाद में हम हाथ उतारेंगे कैसे। मुझे शहद लग रहा है मुर्गा। वेरी गुड, बहुत आला यार। डू यू हैव स्मॉल शिमोल? इससे भी छोटी मिलेगी? हां, इसमें फर्क ना आ रहा। थोड़ी शिमोल। हाउ मच इज दिस? एवलो सर? 700 रुपए सर, 700 रुपए। 700 सर, 700। मुझे शहद लग रहा है मुझे। पुडिंग के साथ पुडिंग, पुडिंग ओके, ये रहा, ये रहा, ये इतना ओरिजिनल। चेक करवाएंगे, मिस आ गया, इतना प्योर। एक्चुअली हमें इतनी ज़्यादा चाहिए तो नहीं है, लेकिन अब हमने उनसे वीडियो भी बनाया, मिस हुई ज़्यादा चाहिए तो ले ही लेते हैं। मिस्टर योना, थैंक यू। हाथ भी हमने साफ कर लिया, थैंक यू। इसको जो है ना 700 देते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश होती है कि अगर लोग इस तरह जो है वो अपना सामान वगैरह बेच रहे होते हैं तो उनकी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं और इनसे जो है वो ज़्यादा जो है ना रेट पे पैसा ना दिया करें। ओके, अब इंटरव्यू भी कंटिन्यूड है तो नेक्स्ट जो है वो फिर इनका जब एपिसोड आएगी तो हम वो भी देखेंगे। बड़ा मज़े का यार इनके जर्नी इनकी चल रही है इस वक्त। बिल्कुल है, जिस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक डीपली किस्म का दिखा रहे हैं हमें, हर एक एक व्यू हमें दिखा रहे हैं कि मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ की लोकेशंस हैं, एक एक रोड्स के सीन जो वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ के लेक्स जो दिखा रहे थे ड्रोन व्यू से, जो वो व्यू दिखा रहे थे ना ड्रोन से, वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और वो बता रहे थे कि जून जुलाई में जब मानसून का मौसम आता है तो उसमें फिर ज़्यादा ग्रीन सब हो जाता है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा रिस्की भी हो सकता होगा वो रोड्स, क्योंकि रोड्स जो हैं वो मतलब थोड़ा सा वो है कि केयर थोड़ा नहीं, काफ़ी अवल तो केयर की ज़रूरत होती है। और वहाँ पे लिखा हुआ था एलिफेंट का भी लिखा हुआ था कि क्रॉसिंग एलिफेंट, मतलब वहाँ पे इसका मतलब है एलिफेंट जो हैं वो क्रॉस करते होंगे कभी, और वहाँ पे वो जंगल ही ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक वीडियो में मिले नहीं है, शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिले। लेकिन जिस तरह ब्रार भाई कर रहे हैं हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और जिस तरह हमें दिखा रहे हैं हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम भी उनके साथ साथ ही चल रहे हैं इंडिया में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार। और
हम अप्रिशिएट करते हैं ब्रार भाई को कि यार जिस तरह काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इसी तरह आगे करते रहें, अल्लाह पाक आपको खैरियत से वापस लेके आए, तो बहुत मजा आया वीडियो देखने का। हाँ, और एंड पे उन्होंने वो शहद आई थिंक खरीदा है बिल्कुल, और उसकी बोतल वो उन्होंने वहाँ से परचेज की है, और लास्ट में खालिस वाला उतार के लेके आए थे। हाँ, वो खालिस खालिस लग रहा था, पीसेस थे ना उसके काफी सारे। बिल्कुल, लास्ट में उन्होंने मैसेज भी बड़ा प्यारा दिया उनके लिए कि भाई आपको हेल्प करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए रेट पे खास तौर पे। तो बड़ा मज़ेदार था और बड़ा एक अच्छा लग रहा है हमें इनके एपिसोड्स देख के, और मज़ा आ रहा है, और उम्मीद है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, और हमें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप बताइए कि आपको कमेंट सेक्शन पे आप लाजमी हमें बताएं कि आपको कैसा लग कैसा रहा लगा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो इस वक्त इंडिया में हैं और वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं हम सबके साथ, और उनकी फीलिंग्स से लग रहा है वो बहुत हैप्पी हैं और वो बहुत उनको मज़ा आ रहा है अपनी जर्नी में, तो वो लग रहा है दिख रहा है, और उनको जो प्यार मिल रहा है इंडिया की तरफ से वो भी दिख रहा है बहुत अच्छी बात। तो नो डाउट इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार उनको मिल रहा है, और बड़ा लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वेलकम कर रहे हैं, और वो तरह तरह के जो है वो नाश्ते खाने भी खा रहे हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा सेगमेंट एक लगता है, बहुत ज़बरदस्त है यार, वाकई मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद है गाइस आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।